जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के लिए जस्टिस सरदार मोहम्मद शमीम खान नामजद। चीफ जस्टिस साकिब निसार की जेरे सदारत जुडिशल कमीशन के इजलास में सिफारिश की गई। सदर पाकिस्तान की मंजूरी के बाद जस्टिस सरदार शमीम खान 1 जनवरी को हल्फ उठाएंगे। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला में मेडिकल स्टोर्स पर स्पिरिट की फरोख सरेआम जारी। रोही की टीम ने भांडा फोड़ दिया। खुफिया कैमरे ने गैर कानूनी धंधे से पर्दाफाश कर दिया। हुकूमत की जानिब से बगैर लाइसेंस स्पिरिट की फरोख पर पाबंदी आयद है, जबकि केमिस्ट के मुताबिक स्पिरिट डॉक्टर्स के नुस्खे या मरीजों की हालत के मुताबिक फरोख की जाती है। एक्साइज डिपार्टमेंट का बगैर लाइसेंस स्पिरिट की खरीदो फरोख करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। डिवीजन भर में टीमों को कार्रवाइयां करने की हिदायत। साबिक एमएस मिस्टर अस्पताल डॉक्टर अब्दुल रहमान कुरैशी पर अद्वियात की करप्शन का इंकशाफ। अद्वियात की जायद मकदार में खरीदी की गई। इंक्वायरी कमेटी का साबिक एमएस के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। एमडब्ल्यूएमसी के अफसरान पर करप्शन के मुकदमे। एमडीए की सीट पर अफसर की मुंतज़िर। फाइनेंस डिपार्टमेंट की जानिब से तमाम बिल रोक दिए गए। महकमे के इंतजामी उमूर मुतासर। सेहत की बेहतरीन सहूलियात बहावलपुर दूसरे नंबर पर आ गया। महकमे सेहत ने पंजाब भर के बीएचयूज और आरएचयूज की रिपोर्ट जारी कर दी। बहावल नगर दूसरे, डीजी खान सातवें, जबकि मुल्तान 22वें नंबर पर है। निश्तर अस्पताल में जारी अद्वियात बोहरान जल्द खत्म होने का इम्कान। 1 अरब रुपए की अद्वियात खरीदारी का परचेज ऑर्डर तैयार कर लिया गया। लोधना के शहरियों के लिए अच्छी खबर। शहर भर और दुनियापुर में जल्द ही घरेलू गैस की फराहमी का काम शुरू कर दिया जाएगा। सर्वे का काम मुकम्मल। हासिलपुर शहर की मेन वाटर सप्लाई लाइन फट गई। 2 रोज से 2 लाख से ज्यादा शहरी पानी से महरूम। पाइपलाइन की मरम्मत के लिए कोई इकदाम न किया जा सका। शहरियों का कमिश्नर और डीसी बहावलपुर से नोटिस लेने का मुतालबा। बहावलपुर में करोड़ों रुपए मालियत का मेगा वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट नाकाम। गैर मियारी मटेरियल के इस्तेमाल से नुकसान। वाटर सप्लाई पाइप दबाव के बायस फट गया। रोड पर पानी से राहगीरों को मुश्किल का सामना। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ग्राउंड मुल्तान की तामीर ता हाल नामुकम्मल। तजयन और आराइश का काम भी बंद। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स इंतजामिया के मुताबिक फंड्स की कमी के बायस तामीर मुकम्मल न हो सकी। फंड्स की अदम फराहमी या इंतजामिया की अदम दिलचस्पी। बहावर नगर के हैदर स्टेडियम में 7 करोड़ रुपए की लागत से ऑस्ट्रो ट्रफ बिछाने का मंसूबा शुरू होते ही बंद। 6 माह से गैलरी में पड़ा कीमती ऑस्ट्रो ट्रफ जाया होने का खदशा। इलाकाई बेंच के कयाम का मामला। डेरा गाजी खान में वकला की हड़ताल 4वें रोज भी जारी। मुतालबात न मानने पर सदर डिस्ट्रिक्ट बार का गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए लाहौर में हड़ताल करने का ऐलान। बीजेडयू मुल्तान में डेली वेजेस मुलाजमीन का एहतजाज। मुस्तकिल न करने पर यूनिवर्सिटी इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। उधर डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स इंतजामिया के 20 से ज्यादा डेली वेजेस मुलाजमीन बरतरफ। रहीम यार खान में किसान इत्तेहाद का शुगर मिल्स ना चलने पर एहतजाज। मुजाहरीन के इंतजामिया और शुगर मिल्स मालिकान के खिलाफ नारे। किसानों का 11 दिसंबर को कौमी शाहरा पर एहतजाज का ऐलान। हासिलपुर के नवाही इलाका कोट आजम में घरेलू तनाजिया। शोहर का अहले खाना के हमरा बीवी पर तशद्दुद। खातून के बाल काट दिए। मुतासरा खातून की हुकाम से इंसाफ की अपील। और सादिकाबाद में कस्टम इंटेलिजेंस की कौमी शाहरा पर कार्रवाई। ईरानी तेल के 10 ऑयल टैंकर्स पकड़ लिए। टैंकर्स में 1000 लीटर ऑयल मौजूद। कस्टम हुकाम के मुताबिक ऑयल की मालियत करोड़ों रुपए है।